एक जगह मुशायरे में मुझे संचालन करना था, मीडिया के लोग भी यहां होंगे, मीडिया के लोग भी यहां होंगे, हैं कुछ प्रिंट मीडिया है ना, तो साहब मीडिया के लोगों ने मुझे घेर लिया। अब जाहिर है ये पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पढ़े लिखे लोग टेढ़े मेढ़े सवाल करते हैं। एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल किया कि साहब बताइए, दुनिया इतनी तरक्की कर गई, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, लेकिन मुशायरे और कवि सम्मेलन के लोग आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं, आज भी मुशायरे और कवि सम्मेलन में दीप प्रज्वलन किया जाता है, क्षमा रोशन की जाती है, क्यों ऐसा नहीं किया जाता कि एक बड़ा सा बल्ब बनाया जाए, बल्ब को स्टेज के बीचों बीच लगाया जाए, रिमोट कंट्रोल मुख्य अतिथि के हाथ में दिया जाए, रिमोट का बटन पुश हो, वो बल्ब रोशन हो जाए और मुशायरा और कवि सम्मेलन शुरू कर दिया जाए। मैंने डीएम साहब अपने तमाम शायरों और कवियों की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जवाब दिया उन्हें, मैंने ये कहा कि हम अपनी इस पुरानी रिवायत पर खुश हैं, हमें बुजुर्गों से जो विरासत मिली है हम इसी में आनंदित हैं, हम इसी में खुश हैं, और ये इसलिए खुश हैं कि बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाए लेकिन विधायक जी एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता, और ये क्षमा चाहे जितनी छोटी हो एक क्षमा से करोड़ों क्षमा रोशन की जा सकती है। हम इसलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं कि चिराग से चिराग रोशन हो और ये रोशनी दूर तक फैलाई जाए, ये कतार बहुत दूर तक जाए, यही हमारे इन महफिलों की पहचान है। आइए इस खूबसूरत सी महफिल का आगाज करें और इसके लिए दीप प्रज्वलन या क्षमा रोशन की रस्म को अदा करने के लिए मैं मोहतरम वीएल वर्मा जी को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो आए और आज के इस मुशायरा कवि सम्मेलन की क्षमा रोशन करके आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज करें। श्री वीएल वर्मा जी, अब